बिलियन के बारे में बात करते हैं। बिलियन इन सॉल्यूशन, तो 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। इसका संगठन एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित होता है। बिलियन को एक एकल प्रावस्था भी कहा जा सकता है, जिसमें एक से अधिक घटक होते हैं। एक द्विअंगी बिलियन 2 घटकों के द्वारा निर्मित होता है। इसी प्रकार 3 या 4 घटकों से निर्मित बिलियन क्रमशः त्रिअंगी या चतुष्क बिलियन कहलाते हैं। वह अवयव जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है, और शेष कम मात्रा में उपस्थित अवयव विलेय कहलाता है। बिलियनों के हम प्रकार हम देखें, जैसे बिलियनों के प्रकार जैसे गैसीय बिलियन है। जब एक गैस किसी अन्य गैस के साथ मिश्रित की जाती है तो गैसीय बिलियन प्राप्त होता है। सभी गैसीय मिश्रण समांगी बिलियन कहलाते हैं और द्रव बिलियन क्या कहलाते हैं? जब गैस द्रव अथवा ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है तो द्रव बिलियन प्राप्त होता है। ठोस बिलियन हम देखें, जब गैस द्रव अथवा ठोस या अन्य ठोस में अनियमित रूप से परिलक्षित होता है तो ठोस बिलयन प्राप्त होता है। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बिलयन को 9 विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विलेय बिलयनों विलेय विलायक के प्रकार हम देखें, जैसे कि गैसीय बिलयन हम देखें, गैसीय बिलयन में गैस यानी गैस के अंदर दो गैसों का मिश्रण है वायु। द्रव के अंदर देखें, गैस वायु में जल वाष्प और द्रवों का वाष्पीकरण है। और ठोस के बारे में देखें, गैस ठोसों का उदरपातन, उदाहरण जैसे कपूर है और NH4Cl है, ये ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे द्रव्यीय विलयन हम देखें, द्रव्यीय विलयन में क्या होता है? द्रव्यीय विलयन में गैस है, जैसे द्रव है, सोडा जल है, अमोनिया अमोनिकृत जल है, ये उदाहरण है। और जैसे कि द्रव्यीय विलयन में द्रव है, जो द्रव है वो द्रव अवस्था में रहता है, वो पूर्णतः मिश्रित द्रव है। जैसे सकरा है, ठोस है, अल्कोहल में सल्फर है, ठोस है, धातु की सतह पर अधिशोषण, जैसे कि पीडी के द्वारा H2 यानी हाइड्रोजन का अधिशोषण। और नेक्स्ट हम देखें कि ठोस विलयन के अंदर हमें अगर द्रव दे रखा है, द्रव के अंदर ठोस यानी पारा कॉपर में, पारा जिंक में या पारा कॉपर में, तो वो रहता है द्रव के अंदर ठोस। और ठोस के अंदर द्रव जैसे मिश्र धातु है, कॉपर Au या ZnCu है, ये ठोस द्रव के अंदर है। सांद्रता की इकाई है यानी विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशतता विलेय पदार्थ के भार भाग यानी ग्रामों में मात्रा जो विलयन में 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता इक्वल टू क्या होगा? विलेय की ग्रामों में मात्रा डिवाइड बाई विलयन की ग्रामों में मात्रा इंटू 100, यानी विलेय की ग्रामों में मात्रा डिवाइड बाई विलयन की ग्रामों में मात्रा, यानी कि विलेय की ग्रामों में मात्रा प्लस विलायकों की ग्रामों में मात्रा, वो कहलाएगा विलयन में ग्रामों की मात्रा इंटू 100। तो सामान्यतः विलेय को बी और विलायक को ए द्वारा हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत विलेय में ग्रामों की मात्रा और विलायक और विलेय में ग्रामों की मात्रा, यानी WB प्लस WA इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर। जैसे हम देखें यहाँ पर 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया है। तो इस बिलियन का घनत्व है यहाँ पर 1.1 ग्राम प्रति लीटर है। तो
ऑक्सेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात, यानी कि ऑक्सेलिक अम्ल का जो द्रव्यमान है वो 11 ग्राम है, यानी कि इसमें मिलाया गया है, तो ये क्या हो गया, विलयक हो गया। और विलयक क्या हो गया, 500 विलयक यानी कि 11 ग्राम ऑक्सेलिक अम्ल से, यानी कि ये हो गया विलयक, विलयन, ये 500 ग्राम विलयन हो जाएगा। और विलयन का घनत्व दे रखा है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू रखे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जैसे कि विलयन की द्रव्यमान 500 मिलीग्राम दे रखी है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, पूरा विलयन का द्रव्यमान आ गया 500 × 1.1, क्योंकि ये घनत्व दे रखा है, तो 550 ग्राम आ गया विलयन का द्रव्यमान। और जब विलयन का द्रव्यमान 550 आ गया है और ऑक्सेलिक अम्ल का द्रव्यमान दे रखा है 11, यानी कि विलयक दे रखा है, विलयक दे रखा है 11, तो 11 / 5 515 × 100 यानी 2% आ जाएगा। दूसरा होता है आयनन प्रतिशतता। आयनन प्रतिशतता में क्या है, विलेय और विलायक दोनों की द्रव अवस्था में होने पर विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या होती है जो विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हो, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता क्या होती है, विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलेय का आयतन, यानी कि यहाँ पर विलेय का आयतन डिवाइड बाई ये होगा, यहाँ पर विलेय गलत है, विलयन का आयतन होगा, विलेय में आ जाए, विलयन का आयतन में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये विलेय गलत होगा, विलेय यन होगा यहाँ पर विलयन का आयतन, और विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन हो जाएगा। तो विलेय मतलब कि जिसे मिला रहे हैं, विलायक विलेय मतलब जिसको मिला रहे हैं, और विलायक मतलब कि जिसमें मिला रहे हैं, × 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विलेय डिवाइड बाई विलेय का आयतन प्लस की विलायक का आयतन, तो बी विलेय का आयतन है और बी ए विलायक का आयतन है। जैसे कि एथेनॉल के 25% जलीय विलयन का अभिप्राय है 25 ml एथेनॉल और 75 ml जल में उपस्थित है, यानी कि विलयन का कुल आयतन कितना है, 100 ml है, तो इसको हम इसके द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि 25 ml एथेनॉल 75 ml जल में उपस्थित है, तो विलेय क्या है, 25 ml किस में मिला रहे हैं, विलेय विलेय प्लस विलायक का आयतन कितना है, 75 ml जल में मिला रहे हैं, यानी कि 25 + 75 × 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 25% आ जाएगा। 25% को 1/4 हम बोलते हैं, तो विलयन का कुल आयतन कितना हो गया, 100% हो गया। और ये एथेनॉल के 25% जलीय विलयन आ रहा है, यहाँ पर 25% आ रहा है दोनों का, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। किसी विलेय पदार्थ के भार भाग यानी ग्राम में मात्रा की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हो, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी द्रव्यमान मान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, विलेय की ग्रामों में मात्रा डिवाइड बाई विलयन का आयतन × 100, वो कहलाती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो जैसे कि 2% W डिवाइड बाई V है, NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर विलेय NaCl की ग्रामों में मात्रा डिवाइड बाई विलयन का आयतन × 100 होगा, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का आयतन दे रखा है 2% × 2% 2 डिवाइड बाई इक्वल टू। विलेय में NaCl की ग्रामों की मात्रा, तो NaCl की आवश्यकता है डब्ल्यू वी डिवाइड बाई 500, विलयन का आयतन 500 दे रखा है × 100, तो यह जाएगा डब्ल्यू वी की वैल्यू 10 ग्राम, तो 10 ग्राम NaCl की यहाँ पर आवश्यकता होगी। विलेय NaCl का द्रव्यमान आ गया जैसे 10 ग्राम आ गया। अब विलेयता हम देखेंगे, ठोसों की द्रव्य विलेयता एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोसों की ग्रामों में अधिकतम घुलनशील मात्रा ठोस की विलेयता कहलाती है। इस अवस्था विलयन में विलयन संतृप्तता विलयन कहलाती है। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हम देखें,
विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति के आधार पर। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, KNO3 आदि का जल में घुलनशील होना। इसका प्रमुख कारण आयन द्विध्रुवीय अंत्यक्रियाएं हैं। विभिन्न आयनिक ठोसों की जल में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा कम एवं जल योजन ऊर्जा अधिक होती है, जल में अधिक विलेय होते हैं। अध्रुवीय ठोस के उदाहरण देखें, जैसे कि I2 है, H2 है, S8 है आदि, ये अध्रुवीय विलायक हैं। CCl4, CH2 है, ये आदि विलेय होते हैं। ताप की बात करें, संतृप्त विलयन में अविलेय ठोस एवं विलयन के मध्य निर्धारित साम्य होता है, यानी अविलेय ठोस प्लस विलायक इक्वल टू क्या बनेगा, विलयन बनेगा। यानी कि विलयन की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस के KCl से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। यानी कि लासा तालीय नियम अनुसार, यदि अगर एच ग्रेटर देन 0 है, यानी शून्य से ज्यादा है, अर्थात विलेय को विलायक में घुलने पर ऊष्मा अवशोषित होगी, तो ताप में वृद्धि पर ठोस विलेय की विलेयता में वृद्धि होगी। जैसे कि NaNO3, Cl आदि। और यदि विलेय की विलायक में घोलने पर ऊष्मा CH3 CO2 लवण Na2SO4 NH2O, इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, परंतु इससे अधिक ताप पर विलेयता घट जाती है। इसका कारण है कि 32.4 डिग्री सेल्सियस पर लवण का क्रिस्टलीकरण जल पृथक हो जाता है, लवण का क्रिस्टलन जल पृथक हो जाता है और वह निर्जलीय लवण हो जाता है। गैसों की द्रव्य विलेयता के बारे में बात करें, सभी गैसें जल में कम या अधिक सीमा तक घुलनशील होती हैं एवं वास्तविक विलयन बनाती हैं। किसी गैस का सेंटीमीटर की पावर क्यूब मिली में आयतन जो 1 सेंटीमीटर की पावर क्यूब जल में घुला हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है। गैसों की द्रव्य विलेयता कुछ कारकों पर प्रभावित होती है, जैसे कि गैस की प्रकृति पर। ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया करती हैं अथवा विलयन में आयनित होती हैं, अधिक विलेय होती हैं। उदाहरण के लिए NH3, HCl, SO2 गैसें जल में अधिक विलेय होती हैं, एवं क्रमशः NH4OH, HCl, H2SO4 यौगिक बनाते हैं। 1 सेंटीमीटर की पावर क्यूब जल में विभिन्न गैसों का अवशोषण गुणांक का घटता क्रम दिखाया गया है। NH3 लेस देन HCl, लेस देन SO2, लेस देन H2S, लेस देन CO2, लेस देन C2H2, लेस देन O2, लेस देन N2। तो यहाँ पर N2, O2 और CO2 जल की अपेक्षा एथिल अल्कोहल में अधिक विलेयशील है। ऑक्सीजन रक्त में तीव्रता से विलेय होती है। विलायकों की प्रकृति, वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं ध्रुवीय विलायकों में विलेय होती हैं, एवं अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलेय होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए HCl गैसें हैं, बेंजीन द्रव की अपेक्षा जल में अधिक विलेय होती है। ताप का प्रभाव की बात करें हम, ली सातालीय सिद्धांत के अनुसार स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि पर गैसों की विलेयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गैस के बाहर निकलने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि H2 हाइड्रोजन एवं HE हीलियम के घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अतः इन गैसों की विलेयता बढ़ती है यदि ताप में वृद्धि की जाए। दाब का प्रभाव की बात करें, गैसों की विलेयता दाब परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है। दाब P और विलयन के संघटन में संबंध को हेनरी ने प्रतिपादित किया और नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यदि गैस का भार m है, जो कि विलायक के इकाई आयतन में p दाब पर घुली हो, तो हेनरी के नियम अनुसार m समानुपाती p, m इक्वल टू क्या होगा, kp। यहाँ पर k हेनरी स्थिरांक है और इसके आधार पर गैसों की विलेयता को साम्य दाब के सापेक्ष आरेख खींचने पर एक सीधी रेखा यहाँ पर प्राप्त होती है।
नेक्स्ट टाइम देखें। जी जब बिलाए के संपर्क में एक से अधिक गैसें एक साथ आती हैं, तो प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। सभी गैसों में एक गैस की मात्रा को उसके मोल भिन्न से ज्ञात कर सकते हैं। अतः x समानुपाति p1, यहाँ x गैसों का मोल भिन्न एवं p1 गैसों का आंशिक दाब है। x इक्वल टू के पी वन या p1 इक्वल टू x/(k)^1 और p=kx या k^(1)/k1। स्थिर ताप पर विलयन में गैसों के आयतन की मात्रा दाब से प्रभावित रहती है। माना कि टी ताप पर एम अणुभार वाली एमजी गैस यानी कि मिलीग्राम गैस जिसका आयतन बी है, साम्य दाब पी विलायक के निश्चित आयतन में गैस विलेय है, तो आदर्श गैस समीकरण से पीवी इक्वल टू एन आर टी या पीवी की वैल्यू m/(m/R)) या फिर v इक्वल टू (m/P)RT/MT जो कि स्थिर ताप पर हेनरी है। इसके नियम अनुसार m/P स्थिरांक और b एक स्थिरांक। हेनरी नियम तभी लागू होता है जब a दाब बहुत अधिक न हो, b ताप बहुत कम न हो, गैस विलायक से रासायनिक क्रिया न करे एवं संगुणित एवं आयनित नहीं हो, गैसों की विलेयता और विलायक में कम अथवा विलयन तनु हो। द्रवीय विलयनों का बाष्प दाब। एक खुले पात्र में यदि किसी द्रव को लिया जाए तो बाष्पीकरण की क्रिया अनिश्चित समय तक चलती रहती है, क्योंकि उच्चतम ऊर्जा वाले वे कण जो सतह से बाहर निकल जाते हैं उनमें से अधिकांशतः पात्र खुला होने के कारण बाहर निकलकर वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। किंतु इसके विपरीत यदि किसी द्रव को हम बंद पात्र में लेते हैं तो बाष्पीकरण की क्रिया अनिश्चित समय तक लगातार नहीं चल पाती, क्योंकि बाष्पों के गमन के लिए स्थान सीमित है, अतः वे पुनः द्रव की सतह पर मिलने लगते हैं। बाष्प के अणुओं को पुनः द्रव की सतह पर मिलना अथवा बाष्प का पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। बाष्पीकरण एवं संघनन एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। जब बाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो साम्य स्थापित हो जाता है, यानी कि बाष्प और संघनन अगर बराबर हो जाए, दोनों की दर बराबर हो जाए तो साम्य स्थापित हो जाएगा। एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में बाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब संतृप्त बाष्प दाब और बाष्प दाब कहलाता है। अब देखें द्रव द्रव विलयन का बाष्प दाब। किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय यौगिक को मिश्रित कर गर्म करने पर विलयन का बाष्प दाब विलायक के बाष्प दाब की तुलना में कम पाया जाता है। यह बाष्प दाब अवनमन कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का दाब पी नॉट को विलयन का बाष्प दाब पी है तो बाष्प दाब अवनमन p0-kp होगा, और हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि बाष्पीकरण का एक पृष्ठीय अभिक्रिया है। इस प्रक्रिया में विलायक के अणु द्रव की सतह से बाष्प में बदलते हैं, जबकि विलयन में द्रव की सतह में कुछ स्थान को अबाष्पशील विलेय अणु ग्रहित करते हैं, अतः विलायक के अणुओं की संख्या सतह पर घट जाती है और इसी कारण विलयन में बाष्पन की दर भी घट जाती है। समान पात्रों में समान ताप पर प्रयोग करने पर विलायक की सतह बाष्प दाब के आधिक्य के कारण नीचे आ जाती है, जैसे कि अधिक दाब पर विलायक की सतह है, यहाँ पर प्रारंभ अवस्था में ये है बेलजार, कम बाष्प पर ये अधिक बाष्प है यहाँ पर, और ये कम बाष्प स्तर पर ये सतह है थोड़ी विलयन के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर विलयन के बाष्प दाब अवनमन और विलयन की सांद्रता की राउले ने सर्वप्रथम संबंधित किया था इनको, विलयन के बाष्प दाब अवनमन और विलयन की सांद्रता को। रावले का नियम क्या कहता है? बाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम क्या है? इस प्रकार के विलयन में बाष्पदाब विलेय एवं विलायक दोनों घटकों से निर्मित होता है। इस विलयन हेतु रावले ने नियम दिया कि जिसके अनुसार निश्चित ताप पर बाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। माना कि विलयन में दो बाष्पशील अवयव ए एवं बी है और इसके विलयन में आंशिक दाब क्रमशः पीए और पीवी है। इनकी मोल भिन्न क्रम से एक्स ए और एक्स बी है। राहुल के नियम के अनुसार पी ए और समानुपाती एक्स ए है और पी ए की वैल्यू पी नॉट डिग्री एक्स ए है। दूसरा हम देखें
कि पी वी की समानुपाती एक्स भी है, पी वी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स भी है, और पी ए नॉट का वास्तविदा पी इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, पी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स प्लस पी वी नॉट एक्स भी, तो एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू वन है, एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, पी इक्वल टू पी ए नॉट वन माइनस एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी, तो पी इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट माइनस के पी ए नॉट। तो एक निश्चित ताप पर पी ए नॉट और पी वी नॉट का मान निश्चित होता है, अतः विलयन का कुल दाब पी घटक के मोल भिन्न एक्स ए तथा एक्स बी का रेखीय फलन कहलाता है। तो यहाँ पर कुल दाब और विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल भिन्न में हम देखें कि एक्स ए इक्वल टू जीरो एक्स बी माइनस वन, एक्स ए इक्वल टू वन एक्स बी बाई इक्वल माइनस वन, पी ए यानी वायु दाब है ये बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर पी नॉट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा पी वी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी आ जाएगा। इसी तरीके से पी ए इक्वल आलेख दिखाया गया है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए रावल का नियम, रावल के नियम अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब केवल वाष्पशील विलायक द्रव ए के आंशिक दाब के समान होता है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय ठोस ए का आंशिक दाब नगण्य है, अतः विलयन का वाष्पदाब पी इक्वल टू पी ए तथा पी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए यानी एक्स बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स बी और p इक्वल टू p नॉट वन माइनस एक्स बी और p इक्वल टू p नॉट माइनस के p नॉट एक्स बी हो जाएगा। तो p a नॉट एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, p a नॉट p यानी कि एक्स बी इक्वल टू p a नॉट माइनस p डिवाइड बाई p a नॉट माइनस के p a नॉट p वाष्प दाब में अवनमन है, और p a नॉट माइनस p डिवाइड बाई p a नॉट वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है। अतः रावले के नियम अनुसार एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलेय के मोल भिन्न भिन्न वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के समान होते हैं, आदर्श विलयन क्या कहलाता है। वह विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परस्पर रावल के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। यह रावल नियम का पालन करता है जैसे कि पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी वी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी और पी इक्वल टू पी ए प्लस पी वी और पी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस की पी वी नॉट एक्स बी। विलयन का कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के तुल्य होता है, यानी कि डेल वी मिश्रण है यहाँ पर जीरो होगा यानी आयतन परिवर्तन शून्य होता है। विलेय और विलायक के मिश्रण पर ऊष्मा का न तो अवशोषण होता है न ही विसर्जन होता है, यानी डेल एच मिश्रण है इक्वल टू जीरो होगा। इसे एथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। विलयन में ए बी सहसंजक बल का परिणाम अवयवों में उपस्थित सहसंजक बल ए ए और बी बी के परिणामों के योग के बराबर होता है। समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले विलेय एवं विलायक आदर्श विलयन बनते हैं, यानी कि एन हेक्सेन प्लस के एन हेप्टेन एल्केन बनेगा, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल एल्कोहल बनेगा, वन क्लोरो ब्यूटेन प्लस वन ब्रोमो ब्यूटेन एल्किल हेमे हेलाइड बनेगा, बेंजीन प्लस ट्यूलुइन टालुइन बेंजीन प्लस टालुइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, सी सी एल फोर प्लस के एस आई सी एल फोर 14 के वर्ग 14 के क्लोरोथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड एल्किल हेलाइड बनेंगे, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन एरिल हेलाइड बनेंगे। करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। द्विअंगी अनादर्श विलयन हेतु जैसे हम देखें पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एवं पी वी नॉट इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी और डेल वी मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो डेल एच मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो। तो अनादर्श विलयन के दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलायक और विलायक ए ए और विलेय बी वी अंतरा आणविक आकर्षण बल या विलायक और विलेय ए वी अंतरा आणविक आकर्षण बल से प्रबल होता है, यानी कि विलेय विलेय और विलायक विलायक के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो विलायक विलेय के बीच में आकर्षण बल होता है उससे ज्यादा होता है। तो धनात्मक विलयन के लिए हम देखें पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, पी वी ग्रेटर देन पी वी नॉट एक्स बी, डेल एच मिश्रण है धनात्मक ऊष्मा, डेल एच मिश्रण है धनात्मक विलयन ऊष्मा
आयतन उच्च होगा, यानी कि P इक्वल टू पी ए प्लस पी वी आ जाएगा। पी वी यहाँ पर पी वी नॉट एक्स नॉट हो जाएगा, पी ए यहाँ पर पी वी नॉट एक्स भी हो जाएगा। तो ये मोल भिन्नता आ जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन एक्स भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी ये बास्के दाब के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनेगा यहाँ पर। अब क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ अनादर्श विलयनों के उदाहरण हम देखें, जैसे कि मैथेनॉल जल, मैथेनॉल प्लस जल है, मैथेनॉल प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड और एथेनॉल प्लस जल है यहाँ पर। हम देखें एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब राउल के नियम से निर्धारित किए गए बाष्प दाब से कम होते हैं, जैसे कि पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, पी वी लेस देन पी वी नॉट एक्स बी। ऋणात्मक विचलन के लिए डेल एच है मिश्रण है ऋणात्मक, यानी उष्मा क्षेपी होगा, डेल एच मिश्रण है ऋणात्मक, विलयन आयतन निम्न होगा, यानी कि पी की वैल्यू पी ए प्लस पी बी से लेस देन होगी, यहाँ पर पी की वैल्यू, ये पी वी की वैल्यू है, पी वी नॉट एक्स बी, ये पी ए की वैल्यू है लेस देन दे रखी यहाँ पर, पी ए इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी, ये मोल भिन्नता एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो एक्स बी इक्वल टू वन है यहाँ पर, एक्स इक्वल टू वन है यहाँ पर, एक्स बी इक्वल टू जीरो है, ये बाष्प दाब के लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ अनादर्श विलयनों के उदाहरण हम देखें, क्लोरोफॉल प्लस एसोटोन, जल प्लस कार्बन हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसीटोन प्लस एनिलीन, मैथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। फिर स्थिर क्वांसी क्वांथी मिश्रण, स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन के प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आवदित होता है, स्थिर क्वांसी मिश्रण कहलाता है। अधिकतम बाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकों का मिश्रण, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके बिना उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है, यह धनात्मक विचलन, यह धनात्मक विचलन वाला एक अनादर्श विलयन होता है। उदाहरण के लिए जैसे जल प्लस एथेनॉल एवं एथेनॉल प्लस के क्लोरोफॉर्म, निम्नतम बाष्पदाशी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक मिश्रण के किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है, यह ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्शी अनादर्श विलयन होता है। उदाहरण के लिए एसीटोन प्लस के क्लोरोफॉर्म प्लस के मैथेनॉल प्लस के एसिटिक अम्ल। अणु संख्या गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना, अणु संख्या गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना हम देखें, विलयनों के कुछ गुण घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, इन गुणों का संबंध विलय की प्रकृति और संगठन से नहीं होता है, विलयनों के ये गुण उनके अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। कुछ अणु संख्या गुणधर्म निम्नलिखित हैं, जैसे कि बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जैसे कि अवाष्पशील विलेय ठोसों के लिए विलयन का अपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन मोल भिन्न के समान होते हैं, जैसे कि पी ए नॉट माइनस के पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एक्स वी हो डिवाइड बाई एम ए प्लस। तो एन वी यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या है, एन ए विलेय के मोलों की संख्या है, डब्ल्यू वी और डब्ल्यू ए है विलेय और विलायक के द्रव्यमान, और एम जी और एम ए है विलेय और विलायक के अणुभार हैं। राउल के नियम से क्या कहता है, एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस के पी ई डिवाइड बाई पी ए नॉट, और डब्ल्यू वी डिवाइड बाई एम बी इक्वल डिवाइड बाई डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए प्लस के डब्ल्यू वी डिवाइड बाई एम बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस के पी ए डिवाइड बाई के पी नॉट के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर।
तनु विलयन में डब्ल्यू डी बी डिवाइड बाई एम बी लेस देन होगा डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम बी। तो यहाँ पर हर भाग में डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी को हम नगण्य मान लेते हैं। डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस के पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट। डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इक्वल टू पी ए नॉट माइनस के पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट। एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इक्वल यहाँ पर हो जाएगा पी ए नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट माइनस के पी ए। तो उपरोक्त समीकरण से एवास्टिल विलेय को मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है और यदि अन्य सभी राशि ज्ञात हो। उदाहरण के लिए किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प 0.850 बार है और 0.5 ग्राम एवास्टिल विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है और विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 7.8 ग्राम मोल है। तो यहाँ पर Pc6H6 को 0.850 बार विलयन का वाष्प दाब Pa इक्वल टू 0.845 बार कहते हैं, यानी Wb इक्वल टू 0.5 ग्राम और Mc6H6 इक्वल टू 78 ग्राम, Wc6H6 इक्वल टू 39 ग्राम। तो यहाँ पर Mb हम क्या करेंगे, तो Mb क्या आएगा, Wb इंटू Mc6H6 डिवाइड बाई Wc6H6 इंटू Pc6H6 डिवाइड बाई Pc6H6 माइनस के Pa, इसके अकॉर्डिंग हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी और विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर एक बाष्पशील विलेय से बने विलयन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख यहाँ पर बताया गया है। जैसे हम देखें तो यदि यहाँ पर विलयन का क्वथनांक टीवी और विलायक का क्वथनांक टीवी नॉट है, तो क्वथनांक के उन्नयन यानी डेल टीवी नॉट इक्वल टू टीवी माइनस की टीवी नॉट होगा। तो टीवी है समानुपाती हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ऑफ पी के अकॉर्डिंग, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए विलायक, ये हो जाएगा सी विलयन, ये वायुमंडलीय दाब है, ये डेल टीवी है। तो टीवी नॉट से टीवी नॉट पर चेंज हो रहा है टेम्परेचर और वाष्प दाब यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि टीवी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रावले के नियम से वाष्प दाब अवनमन विलेय की मोल भिन्नता के समानुपाती होता है, अतः डेल पी नॉट इक्वल समानुपाती एक्स बी, एक्स बी विलेय की मोल भिन्नता है, डेल टीवी समानुपाती एक्स बी और डेल टीवी इक्वल टू के एक्स बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए प्लस के डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। तो डेल टी वी इक्वल टू के डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए प्लस के डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। उसके बाद में जैसे कि तनु विलयनों के लिए हम देखें डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी लेस देन है डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए, तो डेल टी वी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू के डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम बी। डेल टी वी की वैल्यू आ जाएगी के एम ए डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल टी वी की वैल्यू आ जाएगी के बी इंटू एम, यहाँ पर के एम विलयन का मोलता है, के बी मोलल क्वथनांक के उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अनुवार में संबंध हम देखें डेल टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम, यानी विलयन की मौलिकता क्या होगी एम इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो डेल टी वी इक्वल टू होगी के वी डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू वी एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी की वैल्यू हो जाएगी के टी वी डिवाइड बाई डेल टी वी के वी डिवाइड बाई डेल टी वी इंटू डब्ल्यू वी डिवाइड बाई एम बी एम बी है यहाँ और डब्ल्यू ए है यहाँ पर विलायक का भार
और केवी है मोल, और वाट वाट साफ के अनुसार के प्रकार से संबंधित किया जाएगा, एंड केवी इक्वल टू एम ए आर टी के टीवी के स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एच वाट्स पर इनटू 1000। एम ए है विलायक कण का, आर गैस स्थिरांक है, और टीवी विलायक का क्वथनांक है यहाँ पर। तो डेल एच वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम देखें कि बेंजीन का क्वथनांक है 353.23 के है। एक वाष्पीय विलेय के 180 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 के हो जाता है। तो विलयन के अणुभार की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बेंजीन के लिए केवी की वैल्यू 2.53 दे रखी है। तो एम बी इक्वल टू क्या है, केवी डिवाइड बाई डेल टीवी, डेल टीवी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू इंटू 1000। केवी की वैल्यू देखिए 2.53 किलोग्राम, डेल टीवी दे रखा है 254.11 माइनस के 353.23 यानी 0.88 दे रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है 1.80 ग्राम लाना है, डब्ल्यू ए दे रखा है 90 ग्राम, क्योंकि एक 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी कि ये विलायक है ये विलेय है। तो एम ए की वैल्यू आ जाएगी 58 ग्राम पर मोल। फिर हिमांक में अवनमन, वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्था का वाष्प दाब समान रहता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। और जब अस्वाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है, इसलिए विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है और विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 एवं विलयन का हिमांक TF हो तो हिमांक में अवनमन डेल TF इक्वल टू TF0 माइनस की TF होगा। तो ये होगा हमारा विलायक, जैसे कि वाष्प दाब के अकॉर्डिंग हम देखें TF और TF0, तो आपके अकॉर्डिंग हिमांक में अवनमन डेल TF होगा। तो ए की वैल्यू हिमकृत विलायक के रूप में हम देखें, ये यहाँ से बढ़ेगी, ये विलायक बन जाएगा B, और ये यहाँ पर D से विलयन बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखें वक्र BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वक्र BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और B बिंदु पर विलायक ठोस के रूप में जमने लगता है। B बिंदु विलायक का हिमांक TF0 प्रदर्शित करता है और विलयन का वाष्प दाब भी ताप में कमी पर कम होता है, जिसे वक्र D के सहारे दिखाया गया है। बिंदु D पर यह जमने लगता है जो विलयन के हिमांक TF को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर डेल TF इक्वल टू TF0 माइनस की TF हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर डेल TF समानुपाती क्या होगा, डेल ऑफ पी यानी रावले के नियम से वाष्प दाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न समानुपाती होता है, यानी डेल पी समानुपाती क्या होगा, XV, XV विलेय की मोल भिन्नता कहलाती है। डेल TF इक्वल टू KXV यानी XV इक्वल टू WV डिवाइड बाई MV डिवाइड बाई WA डिवाइड बाई MA प्लस के WV डिवाइड बाई MV। तो डेल TF इक्वल टू के डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। तनु विलयनों के लिए डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी और डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए है। तो यहाँ पर डेल TF इक्वल टू के डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम बी और डिवाइड बाई डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए के अकॉर्डिंग होगा, यानी डेल TF की वैल्यू के एम ए डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू ए। तो डेल TF की वैल्यू KF इंटू एम होगी, यानी एम विलयन की मोलकता मोलकता KF मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। हिमांक अवनमन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध हम देखें। तो डेल TF इक्वल टू KF इंटू एम होगा। एक विलयन की मोलता एम इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए होगा। डेल TF की वैल्यू KF डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए होगा। एम बी की वैल्यू KF डिवाइड बाई डेल TF इंटू डब्ल्यू वी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000 होगा। डब्ल्यू वी विलेय का भार होगा, डब्ल्यू बी एम बी है विलेय का अणुभार होगा, डब्ल्यू ए है विलायक का भार होगा, KF है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक होगा। व्हाट्सएप के अनुसार KF को विलायक के वाष्प की गुप्त ऊष्मा से परिवर्तन संबंधित किया जाता है। KF इक्वल टू एम ए आर टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एच वाष्पन इंटू 1000, यानी एम ए विलायक का अणुभार है, TF है विलायक का हिमांक है, R गैस स्थिरांक है और डेल एच है वाष्पन है यानी
बाष्पन की गुप्त ऊर्जा। यहाँ पर 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम क्लीन में घोलने पर बता पाया गया है। अनुसूत्र हम ज्ञात करें हैं केजी पर मोल इनवर्स होगा, यानी कि एमपी की वैल्यू केएफ डिवाइड बाई डेल एफ इंटू डब्ल्यूबी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000 होगा। तो केएफ की वैल्यू 6.8 इंटू केजी पर मोल इनवर्स होगा, डेल्टी एफ इक्वल टू 0.68 के होगा, डब्ल्यू बी इक्वल टू 25.6 ग्राम होगा, डब्ल्यू ए इक्वल टू 1000 ग्राम होगी, एम बी इक्वल टू 6.8 इंटू 25.6 होगा, यानी 256 एमबी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट हम देखें कि सल्फर का जो अणुसूत्र होता है SO2 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 32। तो कोई भी अंक 32 करे 256 आना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो सल्फर का अणुसूत्र हो गया ऐसे। विसरण हम देखें, विसरण क्या होता है। जल से भरी द्रोणी में सांद्र पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर कुछ समय के पश्चात बैंगनी रंग सर्वत्र फैल जाता है। वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन हो, विसरण कहलाता है। परासरण क्या होता है। जल से भरी द्रोणी में अर्ध पारगम्य झिल्ली युक्त थिसल कीप जिसमें शर्करा का रंगीन घोल भरा हो उसको लटका दी जाए, तो थिसल कीप अपने में से विलेय के अणुओं को ही गुजरने देती है, तो विलेय के अणुओं को नहीं। वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलेय के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर से गुजरते हैं, परासरण कहलाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक पदार्थ फिनोल अथवा पोटेशियम का एक नेटवर्क होता है। तो ये शर्करा विलयन है, जैसे कि ये डेल एच है, ये एच है शर्करा विलयन है, ये ब्लायक जैसे जल है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। परासरण दाब, परासरण दाब के रूप में हम देखें ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि एक आयताकार पात्र लेते हैं, पात्र दो समान भागों में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होता है। दोनों पात्रों में पिस्टन P1 और P2 लगे हैं। पात्र के दो भाग हैं ए और बी को क्रमशः विलायक या विलयन से भरते हैं। तो परासरण के कारण विलायक के अणु विलयन से बढ़ते हैं और परासरण के कारण विलायक के अणु विलयन की ओर अर्थात ए भाग से बी भाग में प्रवेश करते हैं, जिससे पिस्टन P2 ऊपर की ओर उठने लगता है, P1 नीचे की ओर जाता है। अब पिस्टन P2 को मूल अवस्था में लाने हेतु, साम्य स्थापित करने हेतु बाह्य दाब प्रयुक्त करते हैं। बाह्य दाब विलयन के परासरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है। यह परासरण दाब के तुल्य होता है। इस प्रकार विलयन पर प्रयुक्त बाह्य दाब जो उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने में तथा तल में साम्यावस्था स्थापित करने में आवश्यक हो, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो विलायक के अंदर हम देखें, अर्ध पारगम्य झिल्ली में विलायक के अंदर ये विलायक है ए, यहाँ पर विलयन है बी, और ए से बी यहाँ पर देखा P1 के लिए है, यहाँ पर P2 के लिए है। परासरण दाब के नियम क्या है। वैज्ञानिक वॉन्ट हॉफ ऑफ ने गैस नियमों के विलयन पर भी लागू किया एवं एक विलयन समीकरण व्युत्पन्न किया, जो कि इस तरीके से है। बॉन्ट हॉफ वॉयल नियम, निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी सांद्रता इक्वल टू 1 डिवाइड बाई तनुता, यानी पाई समानुपाती सी, पाई समानुपाती 1/b होगा। फिर बॉन्ट ऑफ ताप, बॉन्ट ऑफ दाब ताप नियम, एक निश्चित सांद्रता एवं तनुता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती टी। नेक्स्ट देखें, तो दोनों नियमों को मिलाने पर क्या होगा, पाई समानुपाती क्या होगा, टी डिवाइड बाय बी, यानी पाई इक्वल टू एस टी डिवाइड बाय बी, यानी पाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टी मोल हेतु, और पाई बी इक्वल टू एन एस टी, एन यहाँ हो जाएगा एन मोल हेतु आ गया पर। तो एस हो गया यहाँ पर विलयन स्थिरांक, जिसका आंकिक मान है गैस स्थिरांक के समान होता है, अतः एस के स्थान पर आर लिखा जा सकता है, यानी कि पाई बी इक्वल टू बी आर टी।
प्रसरण दाब एवं लय का अनुद्वार हम देखें, पाई भी इक्वल टू एन आर टी, पाई इक्वल टू एन डिवाइड बाई बी आर टी हो जाएगा। विलेय के मूल में एन इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी, यानी डब्ल्यू बी विलेय का भार है, डब्ल्यू बी विलेय का अणुभार है। तो पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू बी आर टी इंटू डिवाइड बाई पाई बी। जैसे कि 27 डिग्री ताप पर यूरिया के एम डिवाइड बाई 10 विलयन का प्रसरण दाब क्या होगा, तो आर की वैल्यू रखी है 0.0821, वायुमंडलीय लीटर मोटर के मोल पर मीटर के अंदर रखिए, पाई बी इक्वल टू एन आर टी, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी एन डिवाइड बाई बी इंटू आर टी, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी सी आर टी के इक्वल, तो पाई इक्वल टू आ जाएगा सी आर टी। तो यहाँ पर सी सांद्रता है 1/10 मोल आर है, और ये 0.821 वायुमंडल के अनुसार होगा। अब यहाँ पर लीटर पर मोल के अकॉर्डिंग देखें, टी की वैल्यू 27 प्लस 273 यानी 300 के हो जाएगा, पाई की वैल्यू 1/10 प्लस के 0.821 इंटू 300 हो जाएगा, यानी 2.2246 वायुमंडल आ जाएगा। फिर समपराशारी विलयन हम देखें, समपराशारी विलयन क्या होता है, वे दो विलयन जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलायक का भाव नहीं होने देते, अर्थात जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन का मोलर सांद्रता भी समान होती है। अति पराशरी विलयन क्या कहते हैं, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है द्वितीय विलयन की सांद्रता अति पराशरी विलयन कहलाता है। अल्प पराशरी विलयन, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब निम्न होता है द्वितीय विलयन के सापेक्ष अल्प पराशरय विलयन कहलाता है। जैसे कि 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का सम पराशरय है, और यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। परासरण दाब क्या होगा, पाई इक्वल टू डब्ल्यू आर टी डी, यूरिया विलयन का परासरण दाब है, पाई वन इक्वल टू 4 × 1000 आ जाएगा। यूरिया संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा, NH2 CONH2 एवं अणुभार 60 ग्राम दे रखा है, 12% यौगिक में ए का संप्रसारण दाब क्या हो जाएगा, पाई टू इक्वल टू 12 × r × t डिवाइड बाई एम, संप्रसारण दाब समान होते हैं, तो पाई वन इक्वल टू पाई टू हो जाएगा। ये आर एन टू टी डिवाइड बाई 16 × 1000 जाएगा, 12 × 60 इक्वल टू 12 / m की वैल्यू बनेगी। मान हम देखें, अणुसंख्यक गुणधर्म से विलेय के अणुभार की गणना तभी सही प्राप्त होती है जब विलयन तनु एवं रावले नियम का पालन करता है। विलयन में विलेय न तो विभाजित होता है, नहीं विलेय का संगुणन नहीं होता है। यदि विलेय को विलायक में घोलने पर उसका आयतन एवं वियोजन होता है तो संगुणन होता है, तो विलायक विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि और कमी होती है, और अनुसंख्यक गुणों में परिवर्तन से विलेय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। इस अणुभार को असामान्य अणुभार कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl CaCl2 K4FeCN4 के 1 मोल के जल को घोला जाए तो आयतन 100% है, और इसके 1 मोल को क्रमशः 2, 3, 5 मोल आयन प्राप्त होते हैं। चूंकि अनुसंख्यक अणुगुण अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उपरोक्त यौगिक के अणुभार वास्तविक से क्रमशः 1/2, 1/3, 1/5 गावक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार फर्निक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल बेंजीन विलायक में संगुणित होकर के हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विलक बनाते हैं, यानी CH3 COO सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, एच ओ सिंगल बॉन्ड सी ओ और सी डबल बॉन्ड और CH3 हो जाएगा। क्योंकि अणुसंख्यक गुण अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और उपरोक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल को अणुभार वास्तविक भार से दोगुने प्राप्त होते हैं। वांट ऑफ गुणांक हम देखें, असामान्य अणुभार को स्पष्ट करने के लिए वांट ऑफ ने एक गुणांक आई प्रतिपादित किया, और यह वांट ऑफ गुणांक कहलाता है। वांट ऑफ गुणांक को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है वांट ऑफ गुणांक, आई अपेक्षित अणु संख्या गुणधर्म,
डिवाइड बाय सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म, यानी आई आयनन संगुणक के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या डिवाइड बाय आयनन संगुणक के पूर्व लिए गए कणों की संख्या। तो डेल प्रेक्षित डिवाइड बाय डेल पी सैद्धांतिक हो जाएगा, डेल पी बी प्रेक्षित डिवाइड बाय डेल बी सैद्धांतिक हो जाएगा, डेल एफ प्रेक्षित डिवाइड बाय डेल एफ सैद्धांतिक हो जाएगा, पाई प्रेक्षित डिवाइड बाय पाई सैद्धांतिक हो जाएगा। आई ब्ले के विलयन में संगुणक और आयनन नहीं होता है, आई ग्रेटर देन वन विलेय का आयनन होता है, आई लेस देन वन विलेय का संगणन होता है। विलेय का विलयन में आयतन एवं संगणन होने पर अणु संख्या गुणधर्म के सामान्य समीकरण हम परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कि बाष्प दाब अपेक्षित अवनमन पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू आई एक्स वी आ जाएगा। क्वथनांक में अन्यन क्या हो जाएगा, डेल टी वी इक्वल टू आई के वी एम आ जाएगा, डेल टी वी इक्वल टू आई इंटू के वी टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डब्ल्यू बी इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। हेमांक में अवलंबन हम देखें डेल एफ इक्वल टू आई के एफ एम आ जाएगा, यानी डेल टी वी इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डेल डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई के एम बी इंटू डब्ल्यू ए। प्रासरण दाब हम देखें पाई इक्वल टू आई सी आर टी, पाई इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई एम बी इंटू वी। वांट ऑफ गुणांक या आयतन की मात्रा में संबंध हम देखें, माना कि विलयन में विलेय का ए गोला ए मूल गोला है और आयनित कण देता है, तो विलेय के आयतन की मात्रा, अगर विलेय के आयतन की मात्रा क्या है, इनफाइनाइट है, तो प्रारंभ में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ए टू की जाएगी। फिर आयनन के पश्चात मोलों की संख्या ए सी इनफाइनाइट यानी एन इनफाइनाइट दी जाएगी। विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या ए सी इनफाइनाइट एन इनफाइनाइट दी जाएगी, वन प्लस के इनफाइनाइट एन माइनस वन। विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या वन, आई आयनन के पश्चात मोलों की संख्या डिवाइड बाई आयनन से पूर्व मोलों की संख्या यानी कि आई इक्वल टू वन प्लस इनफाइनाइट एन माइनस वन डिवाइड बाई वन, यानी कि समानुपाती यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस वन एन माइनस वन, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। तो के फोर एफ ई सी एन सिक्स का 0.1 में विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46 डिग्री आयनित होता है और विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू देखिए वायुमंडल इनटू लूटर के अंदर देखिए पाई इक्वल टू आई सी आर टी होता है। व्हाट्सअप गुणांक दे रखा आई इक्वल टू वन प्लस के अल्फा एन माइनस वन डिवाइड बाई वन, अल्फा की वैल्यू देखिए 46 डिवाइड बाई 100 आयनिक यौगिक दो रखा के फोर एफ ई सी एन सिक्स के हेतु। एन की वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखिए आई इक्वल टू वन प्लस के 46 डिवाइड बाई 100 एन माइनस वन यानी कि पाई माइनस वन 2.84 आ जाएगा। सी की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, तो ये पाई इक्वल टू हम रख देंगे यहाँ पर आई सी आर टी में, तो पाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा 6.92 वायुमंडल। व्हाट्सऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक और संगुणक की मात्रा अल्फा में संबंध हम देखें, माना कि विलेय के एन अणु संगुणक होकर के एक अणु बनाते हैं और संगुणक की मात्रा अल्फा है और प्रारंभ में मोलों की संख्या एन ए इक्वल टू ए एन है। संगुणक के पश्चात मोलों की संख्या 1 माइनस इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट डिवाइड बाई एन है। विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या 1 माइनस इनफाइनाइट प्लस के इनफाइनाइट डिवाइड बाई एन है। फिर हम देखें विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या इक्वल टू 1 है, यानी आई इक्वल टू क्या होगा, संगुणक के पश्चात मोलों की संख्या डिवाइड बाई संगुणक से पूर्व मोलों की संख्या यानी आई इक्वल टू 1 माइनस इनफाइनाइट अल्फा माइनस प्लस के अल्फा डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई वन। आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई एन यानी कि एन माइनस के एन अल्फा प्लस के अल्फा एन एन इक्वल टू अल्फा माइनस के एन अल्फा एन आई माइनस वन इक्वल टू अल्फा वन माइनस अल्फा वन माइनस एन अल्फा इक्वल टू एन आई माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस एन। तो यहाँ पर 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, तो इस विलयन का हेमांक अवनमन 0.317 के है। बेंजोइक अम्ल के संगुणक की मात्रा ज्ञात करनी है, तो बेंजोइक केतु के एफ की वैल्यू 5.1 के जी पर मोल हो जाएगा, यानी कि एम बी प्रेक्षित है तो के एफ डिवाइड बाई डेल टी एफ इक्वल इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू इंटू 100। तो यहाँ पर के एफ की वैल्यू 5.1 के जी पर मोल, डेल टी एफ की वैल्यू जाएगी 0.317 के, डब्ल्यू ए की मिला जाएगी 0.3 ग्राम, डब्ल्यू ए की मिला जाएगी 20 ग्राम, यानी कि एम बी प्रेक्षित क्या हो जाएगा 5.1 इंटू 0.3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.317 इंटू 20, एम बी प्रेक्षित क्या हो जाएगा 271। तो आई सैद्धांतिक अनुभार है और यहाँ पर प्रेक्षित अनुभार हो जाएगा यानी 122 डिवाइड बाई 271 241 इक्वल टू 0.506 आ जाएगा। बेंजोइक अम्ल बेंजीन में दीलक बनाता है और एन इक्वल टू 2 है, अल्फा इक्वल टू एन आई माइनस की वन डिवाइड बाई वन माइनस एन हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू टू वन माइनस 2.506 माइनस की वन डिवाइड बाई वन माइनस 2 हो जाएगा ये। तो इसके आधार पर हम देखें जैसे कि 2 इंटू
माइनस की 0.49 डिवाइड बाई माइनस की 1, तो ये आ जाएगा 98.8%। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखें। कितनी होगी? सांद्रता आ जाएगी। आप कौन सा द्रव युग्म रावले के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर जल और एचएन होती है, ये रावले के नियम के धनात्मक विचलन का पड़ पर NaCl, तीसरे नंबर पर आएगा यहाँ पर MgCl2।